कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान का छूट बेनकाब हो जाए और जाधव फांसी के तख्ते पर जाने से बच जाए। वहीं पाकिस्तान चाहता है कि उसने जो सजा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मुकर्रर की है उसमें कोई बदलाव ना हो। भारत और पाकिस्तान की दलीलों पर आखिरी फैसला तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को ही लेना है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की ओर से जो बयान सामने आ रहा है उससे अटकलें लगाई जा रही है कि पाकिस्तान जाधव की फांसी पर पुनर्विचार कर सकता है। जाधव की फांसी पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने बेहद अहम बयान दिया है। बासित ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बातचीत में अब्दुल बासित ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामला होने के चलते उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती, चाहे कोर्ट के फैसले में 2 से 3 साल ही क्यों ना लग जाए, लेकिन उसे किसी भी रूप में फांसी नहीं दी जाएगी। बासित ने आगे कहा कि जाधव के पास इस फांसी से बचने के लिए कई मौके हैं। अगर कोर्ट ऑफ अपील जाधव की अपील ठुकरा देता है तो उनके पास मौका है कि वह आर्मी चीफ से माफी की गुहार लगा सकते हैं और उनके राष्ट्रपति को दया याचिका दे सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में पाकिस्तान ने जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। इसी के बाद जाधव को बचाने के लिए भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गई थी। फिलहाल कोर्ट ने आखिरी फैसला न आने तक फांसी की सजा पर रोक लगाई है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान भारत के लिए कई मायनों में अहम है। अगर पाकिस्तान जाधव मामले में पुनर्विचार करता है तो फांसी पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो देखना होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान जाधव पर क्या फैसला लेता है। देखते रहिए डीबी लाइव।